वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आफ्टर रीडिंग अबाउट द वेरियस फेजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी कैसे एक्सपेंड होती है, बहुत सी कंट्रीज कैसे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती हैं, और अर्ली 2000 तक बात करें तो लगभग सभी कंट्री ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था। सभी कंट्री का मतलब लगभग 75% से ज़्यादा कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन होता है जो कि हमारे लिए क्रूशियल नहीं है। मेनली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि क्या होगा यदि पूरी दुनिया ही डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर ले, एंड 2005 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों इराक पर अटैक करता है। यदि इराक की बात करें तो ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि यूएसए जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री है, बट ये क्यों इराक पर अटैक कर देती है, इराक पर अटैक करने का इसका मेन रीज़न क्यों था, इराक करने की मतलब दूसरे कंट्री पर कैसे कोई कंट्री अटैक कर सकती है। इसी के संदर्भ में यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात उठती है। यदि हम प्रेजेंट में बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनाया गया था। 1945 में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया था। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट केम अप इन द कन्वर्सिएशन, ठीक है। जो अभी यहाँ पे बातचीत हुई उसमें जो कन्वर्सिएशन हुआ, जो बातचीत का रिजल्ट हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पे फाइनल पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लीड द डेमोक्रेसी रिलेशन अमंग कंट्रीज, इसका मतलब ये कि ज़्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगी तो क्या इन सभी के बीच में रिलेशन बिल्डअप हो पाएगा, यहाँ पे मेन क्वेश्चन किया जा रहा है। आगे यदि हम बात करते हैं, बिफोर वी डू दैट, हम ये करने से पहले लेट अस थिंक, हमें सोचना चाहिए अबाउट द पॉइंट रेज्ड बाय फुरेंदर, ठीक है। यहाँ पे जो फुरेंदर के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि यहां पे बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड सो ऑन, और भी इसके अलावा बहुत सी गवर्नमेंट, बट देयर इज नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, पर गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि जितनी भी ग्लोब में कंट्रीज हैं इन सभी को के रेगुलेशन के लिए, सभी को गवर्न करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं, नो गवर्नमेंट कैन पास एनी लॉ, ठीक है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट लॉ पास नहीं कर सकती, दैट विल अप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए अप्लाई हो। ऐसा क्यों, क्योंकि हर कंट्री, जैसे इंडिया की बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए जाएंगे वो इंडियन लोगों पर अप्लाई होंगे, ऐसे जैसे यूएसए के जो रूल होंगे वो अमेरिकन लोगों पर अप्लाई किए जाएंगे और दूसरी किसी भी कंट्री पर वो रूल लागू नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, इफ देयर इज नो सच गवर्नमेंट, यदि यहाँ पे कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं होती, इफ देयर इज नो रूल, यदि कोई भी रूल नहीं होते, हाउ कैन वी अप्लाई दैट टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हियर, तो हम यहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी के दो फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। दीज टू फीचर यू वुड रिकॉल वर दैट रूल फुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूल जो है, ठीक है, मतलब जो रूल करे वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड हो, और दूसरा पीपल शुड हैव बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, और लोगों के पास बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम हो, इसका मतलब क्या हो, लोग अपने तरीके से गवर्नमेंट को चूज कर सकें। हियर अ क्वेश्चन फॉर यू, शुड देयर बी अ गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, या यदि हाँ है ना, तो हु शुड इलेक्टेड, तो उसको कौन इलेक्ट करेगा, एंड व्हाट पावर शुड इट हैव, तो उस गवर्नमेंट के पास, जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट होगी उसके पास कौन कौन सी पावर निहित होंगी। राइट नाउ व्हाइल फुरेंदर इज राइट इज अ इन अ सिंपल सेंस, फुरेंदर जो है सिंपल सेंस में राइट है, वी कैन नॉट से दैट द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट अराइज हियर, हम नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी में कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता। देयर इज नो सिंगल वर्ड, यहाँ पे सिंगल वर्ड नहीं है गवर्नमेंट, बट देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, जबकि वर्ल्ड में बहुत से इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन से लगा हुआ वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और उसके अलावा भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, इसके अलावा भी बहुत से अदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, बट देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट परफॉर्म पार्टिकुलरली इन द फंक्शन ऑफ सच अ गवर्नमेंट, दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड कंट्रीज एंड सिटीजन इन अ वे टू गवर्नमेंट कैन, बट दे टू मेक रूल्स दैट पुट लिमिट ऑन वॉट गवर्नमेंट कैन डू, कंसिडर दीज पॉइंट्स, ओके। हियर वी विल डिस्कस, हियर सिंपली मीन्स लाइकवाइज अ पर्सन, ओके, हु अटेम्प्ट हीनियस क्राइम, लाइकवाइज हियर वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, इंडिया में कोई पर्सन है जो कि इंडिया में क्या करता है, इन फाइट द इंडिया कोई हीनियस क्राइम करता है, जैसे कि इस पर्सन को जिसने क्राइम किया उसको जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट पनिश कर पाएगी उस तरह कोई भी इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उस पर्सन को पनिश कर सके, ओके। आगे डिस्कस करते हैं, Who make law the rules to govern the seas and do not fall within the boundary of any one countries? जो seas होते हैं, ठीक है, समुद्र जो होते हैं उनके लिए rules कौन बनाता है और कैसे डिफाइड होता है कि किसी एक country के area पे दूसरी country नहीं आएगी।
आगे बात करते हैं, और हु टेक स्टेप टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उसके लिए स्टेप कौन लेता है, दैट थ्रेटन्स ऑल द सैंक्शन ऑल द कंट्रीज टुगेदर द यूनाइटेड नेशन, और वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर क्या बनाया, यूनाइटेड नेशन बनाया। यूनाइटेड नेशन की यदि हम करंट बात करें तो 193 मेंबर स्टेट है, मतलब 193 मेंबर कंट्रीज हैं। आगे बात करते हैं हम, जस्ट अ मिनट, या द यूनाइटेड नेशन हैज़ इन्वॉल्व मैनी कन्वर्सिएशन, मतलब इट मीन कन्वेंशन, सॉरी नॉट कन्वर्सिएशन, कन्वेंशन, इट मीन यूनाइटेड नेशन बहुत से कन्वेंशन बनाता है, एंड दिस क्वेश्चन दैट आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट कंट्रीज, जो कि मोस्ट कंट्रीज के लिए बाइंडिंग होता है। इट मीन कन्वेंशन का मतलब समझ सकते हो आप रूल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो रूल बनाए जाते हैं बहुत सी कंट्री उसको एडॉप्ट करती हैं और फॉलो भी करती हैं। द यूनाइटेड नेशन इज अ ग्लोबल एसोसिएशन, जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या है, ग्लोबल एसोसिएशन है, मतलब बहुत सी कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन को एक्सेप्ट करती हैं। आगे बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन हेल्प करता है कंट्री के बीच में कोऑपरेशन के लिए, इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, सोशल इक्वलिटी, मतलब लोगों के बीच में इक्वलिटी हो। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं इज इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव। व्हाट हैपेंड व्हेन अ कंट्री अटैक अनदर कंट्री इन अ अनजस्ट मैनर, क्या होगा जब एक कंट्री किसी अदर कंट्री पर अटैक कर दे, तब इस सिचुएशन में क्या होगा। जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक अदर बॉडी है जो कि इसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर की यदि बात करें तो कौन से हैं, चाइना है, USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसके अलावा रसिया है और फ्रांस है, और उसके अलावा ब्रिटेन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड है ना बोलते हो आप, ये 5 मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं। आगे बात करते हैं, एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, मतलब यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस, यूनाइटेड नेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, फॉर द मेंटेनिंग पीस, शांति करने के लिए यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन ही इसीलिए किया गया था जिससे वर्ल्ड में पीस और शांति बनी रहे, एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, और कंट्रीज जो है एक सिक्योर फील करें। इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग ऑर्डर, मतलब कि यदि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पर गलत तरीके से अटैक करती है तो यूनाइटेड नेशन अपनी आर्मी जो जिसे हम ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी आर्मी को दूसरे कंट्री पर भेज दे, जिस कंट्री ने रॉन्ग गलत तरीके से अटैक किया उसके ऊपर भेज दे, और जो कंट्रीज, मतलब कि जो कंट्रीज रूल को ब्रेक कर रही हैं, जो कंट्री सही तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की का सेंक्शन भी इम्पोज किया जा सकता है। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेंड मनी टू गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को मनी कौन देता है, व्हेन दे नीड इट, जब उसको ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को जब मनी की ज़रूरत होती है तो कौन मनी देता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की मैंने बात किया था कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके बहुत से ऑर्गन्स हैं जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ और भी अदर यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होते हैं एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये क्या करते हैं, आल्सो गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को लोन करते हैं, लोन देते हैं। जैसे कि इंडिया की यदि बात करें, इंडिया को यदि मनी की ज़रूरत है, हम जो इंडिया को यदि 5 बिलियन की ज़रूरत है या 2 बिलियन की ज़रूरत है तो इंडिया लोन ले सकता है फ्रॉम द IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, पर इनके कुछ शर्तें होती हैं कि ये जो लोन लिया जा रहा है ये सही तरीके से यूज़ हो, और अदर शर्तें भी इनकी होती हैं। आगे बात करते हैं, बिफोर लैंडिंग दे आस्क द कंसर्न गवर्नमेंट टू शो ऑल इट्स अकाउंट इन डायरेक्ट टू मेक चेंज इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, और जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनकी तरफ से कुछ सुझाव गवर्नमेंट के लिए आते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो पहले आप मुझे दिखाओ, पॉलिसी शो करो कि आपकी जो फिजिकल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसी है, और आपके पास कितनी मनी है, कितना लैंड कर सकते हो आप, इन सब चीज़ों के बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और इनकी शर्तें भी बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, आर दिस डिसीजन डेमोक्रेटिक, क्या ये सभी डिसीजन डेमोक्रेटिक होंगे। सो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूशन है द वर्ल्ड लेवल दैट परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन दैट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म, जो यदि हम गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाएं तो जो ये काम करेगी, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट करेगी, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूशन है। लाइक वाइज यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की तरह हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यदि फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट बनाई जाती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कुछ गवर्नमेंट हैं। लाइक वाइज ऑर्गेनाइजेशन, नॉट गवर्नमेंट बट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है।
वट वी नीड टू नो जस्ट डेमोक्रेटिक दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, क्या ये डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगी। द येट स्टेक देयर इज वेदर ईच ऑफ द कंट्रीज है फ्री एंड इक्वल से, मतलब कि जो कंट्रीज हैं उनको सभी को फ्री और इक्वल राइट्स मिलेंगे, सभी कंट्री चाहिए वो उनकी जो इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर ज़्यादा है, किसी कंट्री की मिलिट्री पावर कम है, इकोनॉमिक पावर कम है, तो क्या इन दोनों कंट्री को बराबर अवसर मिलेगा, बराबर राइट्स मिलेंगे, ये एक मेन क्वेश्चन रहेगा। इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम, ये डिसीजन जो होगा लोगों को अफेक्ट करेगा, कंट्रीज को इफेक्ट करेगा। इन दिस लाइट लेट अस एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड बॉडीज। चलिए हम यहाँ पे कुछ एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं स्टेट्स, है ना। एज ऑन 1 सितंबर 2012 में लास्ट जो था साउथ सूडान ऐड हुआ था। ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ वन वोट इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली, सभी के पास एक वोटिंग राइट्स मिलता है, हर एक कंट्री के पास एक वोटिंग राइट्स रहता है। इट मीन्स इन रेगुलर ईयरली सेशन अंडर अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री से इलेक्ट होंगे। जनरल असेंबली इज लाइक द पार्लियामेंट, जो जनरल असेंबली है वो किसके जैसे होती है, पार्लियामेंट के जैसे होती है। वेयर ऑल द डिसीजन और डिस्कशन टेक प्लेस, जहाँ पे बहुत से डिसीजन होते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में, बहुत से इशू के बारे में डिस्कशन किए जाते हैं। इन द सेंस द यूनाइटेड नेशन वुड अपीयर टू बी अ वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपीयर होगा। बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, बट जो जनरल असेंबली हो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। अबाउट वाट एक्शन शुड बी टेकन इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो यदि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बहुत से कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, ठीक है, डिस्प्यूट है, तो क्या इसको दिस जो ऑर्गेनाइजेशन, जो जनरल असेंबली है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फच क्रूशियल डिसीजन, जो 15 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के वो क्रूशियल डिसीजन लेते हैं। 15 मेंबर का क्या मतलब है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। आगे बात करते हैं हम, द काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर, US, रसिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, 10 अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर, और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं वो हर एक दो सालों में इलेक्टेड होते हैं। द रियल पावर ऑफ विथ 5 परमानेंट मेंबर, और जो रियल पावर है यूनाइटेड नेशन की वो किसके पास है, 5 परमानेंट जो मेंबर हैं, ठीक है, और इंडिया भी चाहता है कि वो भी इन 5 परमानेंट मेंबर में से एक बन जाए, मतलब कि छठवां जो परमानेंट मेंबर बने वो इंडिया बने। इसके लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, पर जो चाइना है वो बार बार इसके लिए रोक देता है, मतलब चाइना क्या कर देता है, वीटो कर देता है। वीटो पावर का क्या मतलब होता है, रोक देना, मतलब कोई भी रूल यदि चाइना को पसंद नहीं आ रहा तो चाइना क्या कर सकता है, उसको वीटो कर सकता है। वीटो हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे वीटो के बारे में। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, द रियल पावर विद द 5 परमानेंट मेंबर, जो रियल पावर है वो 5 परमानेंट मेंबर के पास रहती है, स्पेशली द US। US की बात करें तो US का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता है यूनाइटेड नेशन में। कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी नीडेड द मेंटेनेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन को जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड आता है वो आता है US के द्वारा, ठीक है, इसलिए US का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे दबदबा रहता है। आगे बात करते हैं, ईच परमानेंट मेंबर हैज़ वीटो पावर, सभी परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर रहती है। वीटो पावर क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इट मीन दैट द काउंसिल कैन नॉट टेक अ डिसीजन इफ एनी परमानेंट मेंबर सेज नो टू दैट डिसीजन, यदि कोई भी डिसीजन लिया गया, समझो एक्स कोई डिसीजन है, ठीक है, अब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, जब इन 5 परमानेंट मेंबर इस एक्स डिसीजन के लिए यस बोलेंगे तभी ये डिसीजन जो है पास हो पाएगा। यदि किसी एक कंट्री जैसे रफिया ने इसको मना कर दिया तो ये डिसीजन जो है यहीं पे फेल हो जाएगा और यहीं पे बंद कर दिया जाएगा। ये होती है पावर ऑफ वीटो। तो हम बोल सकते हैं इस हिसाब से कि यूनाइटेड नेशन की जो पॉलिसी है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटेड है, मतलब भेदभाव करते हैं। जैसे मेंबर स्टेट तो 193 हैं, पर जो 5 सुपर पावर हैं, ठीक है, 5 जो मेन कंट्रीज हैं या सुपर पावर कंट्रीज जिनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, मिलिट्री पावर ज़्यादा अच्छी है, उनको ही केवल वीटो पावर करंटली मिला हुआ, उनको ही ज़्यादा पावर दी गई है। सो वी कैन यूनाइटेड नेशन नीड रिफॉर्म। चेक योर प्रोग्रेस हियर फ्रॉम क्वेश्चन हियर
कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ सजेशन भी हैं, आपको देखना है। हियर आर सम सजेशन टू स्ट्रेंथन वर्ल्ड डेमोक्रेसी। वर्ल्ड की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए कुछ सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। डू यू सपोर्ट दीज चेंजेस, क्या आप इस चेंजेस को सपोर्ट करोगे? आर दीज चेंजेस लाइक टू हैपन, क्या ये चेंजेस हो जाएँ, मतलब जो यहाँ पे दिए गए हैं। गिव योर रीजन फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है, आपको यहाँ पे रीजन देना है। मोर नेशन शुड बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हमने पढ़ा था कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड करना चाहिए? वी हैव अनदर क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या, यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली शुड बिकम लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, जो ये है वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह रिस्पॉन्स करनी चाहिए, विथ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच कंट्री, जहाँ पे सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इंडिया की तरफ से भी एक व्यक्ति हो वहाँ पे, पाकिस्तान की तरफ से भी, और अदर जो भी कंट्रीज हैं सभी की तरफ से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे कोई ना कोई हो। इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यहाँ पे सजेशन दिया गया कि कंट्री की प्रोपोर्शन के अनुसार, यदि कंट्री में कम पॉपुलेशन है तो वहाँ कम लोग रिप्रेजेंटेटिव हों, और ज़्यादा प्रोपोर्शन हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हों। दीज रिप्रेजेंटेटिव शुड इलेक्ट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाएँ। वी हैव अनदर क्वेश्चन, इंडिविजुअल कंट्रीज, ठीक है, शुड नॉट हैव आर्मीज, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीज के पास क्या हो, आर्मी ना हो। द यूनाइटेड नेशन शुड मेंटेन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशन का क्या हो, टास्क फोर्स हो, मतलब यूनाइटेड नेशन की आर्मी हो, टू ब्रिंग अबाउट पीस इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन नेशन, मतलब यदि किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई किसी भी कंट्री के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के माध्यम से रिजॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट, जो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट हो, शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाई ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो किसके द्वारा इलेक्ट हो, पीपल ऑफ ऑल द वर्ल्ड, मतलब जितने भी लोग हों उनके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो। ये बातें हैं यहाँ पे, आपको इनके बारे में सोच, here you have to remember this image, okay, we will later discuss about this image. This image really indicate 2005 when America invaded Iraq, and another image you have to remember it, here voting rights, issue of voting rights, how military, यहाँ पे military कैसे एक person को vote डालने के लिए मजबूर कर रही है, इसके बारे में हम later discuss करेंगे। These cartoons really raise a फंडामेंटल क्वेश्चन, अभी आपने जो कार्टून देखा वो क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, आप कार्टून देखकर समझ सकते हो, रिलेटेड टू ग्लोबल डेमोक्रेसी, है ना। रिसेंट मेनी पावरफुल कंट्रीज इन द यूएस इन द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में बहुत ही पावरफुल कंट्रीज जो हैं, जैसे पार्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाली कंट्री की हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो इसने क्या किया है, इसने लीड किया है फ्रॉम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ये लीड कर रहे हैं, और इनका क्या कहना है, यूएस का क्या कहना है, कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो करें, डेमोक्रेसी को फॉलो करें, आगे हम समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। दे आर प्रपोगेटिंग, मतलब दे का मतलब यहाँ पे क्या है, यूएसए से है, है ना, आपको याद रखना है। दे से दैट प्रोपोगेटिंग द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इनफ, बोल रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी की वैल्यू वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सफिशियंट नहीं है। एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी शुड डायरेक्टली इंटरवेन इन कंट्रीज दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक, मतलब जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करें। टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी देयर, है ना, इज इन सम केस पावरफुल कंट्रीज हैव लॉन्च आर्म अटैक, कुछ पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, आर्म अटैक लॉन्च कर देती हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पर, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब या जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लाइक वाइज जहाँ पे कम्युनिज्म है, या फिर जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी कंट्री है वो इराक, जैसे इराक पर अटैक किया था 2005 में अमेरिका ने। आगे देखते हैं, दैट इज़ वाट सुष्मिता वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, यहाँ पे सुष्मिता जो है इसी के बारे में बात कर रही है। लेट अस सी, हम चलो देखते हैं व्हाट हैपेंड इन इराक, इराक में क्या हुआ था। इराक इज अ कंट्री इन वेस्ट एशिया, इराक जो कंट्री है वो कहाँ पे, वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया को आप मिडिल ईस्ट भी बोल सकते हो, आपको याद रखना है वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों एक ही कंट्री है, और यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज पाई जाती हैं, मतलब मुस्लिम मतलब इस्लाम फेथ को मानने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इट बिकम इंडिपेंडेंट, जो इराक है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश से, जैसे कि ब्रिटिश ने इंडिया पर भी रूल किया था जब इंडिया को 1947 में रिलीफ मिला या इंडिपेंडेंस मिला। आगे बात करते हैं, कब इराक इंडिपेंडेंट हो गया था, आपको याद रखना 1932 में।
थ्री डिकेड लेटर देयर वर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कूप, है ना, मतलब मिलिट्री क्या कर देती है, कूप कर देती है, मतलब तख्ता पलट कर देती है और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको हटा के मिलिट्री वहाँ पे रूल करने लगती है सिंस 1968। आपको ये डेट याद रखनी है, 1968 से वहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाता है। इट वॉज रूल्ड बाई अरब सोशलिस्ट भट पार्टी, ठीक है, कौन सी पार्टी रूल करती है, अरब सोशलिस्ट भट पार्टी, इसका मतलब जो सद्दाम हुसैन की पार्टी थी, सद्दाम हुसैन आगे जाके डिक्टेटरशिप बनते हैं, तानाशाह बन जाते हैं, और जो पावर है वो सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, जितनी भी पावर है वो केवल सद्दाम हुसैन के पास रहें, वो ट्राई करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी वजूद नहीं रहता, बहुत ही ऑनर फीलिंग होती है, बहुत ही लोगों को मारा जाता है। आगे बात करेंगे, सद्दाम हुसैन अ लीडिंग पार्टी, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, 1968 में मिलिट्री कूप हो जाता है। दिस गवर्नमेंट एबॉलिश ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ, पहले तो इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, जो इस्लामिक लॉ या शरिया कानून चला आ रहा था उसको समाप्त किया, वीमेंस को जस्ट अ मिनट या वीमेंस को क्या किया, इक्वल राइट्स दिए, मैन के बराबर राइट्स दिए, राइट टू वोट दिया, और फेवरल फ्रीडम, और भी बहुत सी फ्रीडम ग्रांट, वुमेन दैट नॉट राइट टू वोट एंड फेवरल फ्रीडम नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्ट एशिया, जो मतलब राइट्स वुमेन को इसने दिए सद्दाम हुसैन के द्वारा दिए गए इराक में, वो अदर किसी भी कंट्री में नहीं दिए गए थे। कंट्रीज आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन 1979, जो सद्दाम हुसैन है वो क्या करते हैं 1979 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं इराक के। सद्दाम रैना डिक्टोरियल गवर्नमेंट, है ना, डिक्टोरियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तानाशाही गवर्नमेंट चलाने लगते हैं, एंड सरपस्ड एनी डिसेंट और ऑपोजिशन टू हिज रूल, मतलब कि जो भी उनके रूल को अपोज करता है, जो भी उनके रूल को क्रिटिफाइज करता है, मतलब कि वो सही तरीके से रूल नहीं कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, मैसेकर कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन रेज करते हैं, फंडामेंटली क्वेश्चन जो रेज करते हैं उनको मार दिया जाता है। He was known to have not number of political opposition killed and person of ethnic minority massacre, मतलब उन्होंने बहुत से ethnic minorities की massacre भी किया, massacre का मतलब बहुत से लोगों की जब एक साथ मार दिया था, बहुत से लोगों को जब एक साथ मार दिया था तो वो massacre कहलाता है। आगे द यू एस एंड इट्स अलायंस, US और इसके अलायंस जो हैं ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन क्या करते हैं ईरान पर, सॉरी इराक पर एलर्ट करते हैं कि ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन की तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इससे क्या होता है जो US है ना, US क्या करता है इराक को इन्वेड कर देता है, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन की कुछ पर्सन आते हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से कुछ लोग आते हैं, ये चेक करते हैं इराक क्या रियली में कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग कर रहा है, पर जब वो टेस्टिंग करते हैं, मतलब कि जब वो वहाँ पे इराक में जानकारी प्राप्त करते हैं या छानबीन करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, मतलब इराक कोई भी वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद क्या होता है, सन 2003 सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाता है। देन द US इंस्टॉल्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बाद US इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे बना देती है, आंतरिक गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर देती है, गवर्नमेंट ऑफ इट्स प्रेफरेंस, ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहे थे US के लोग, ये डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। द वॉर अगेंस्ट इराक वॉज नॉट ऑथराइज बाई द यूनाइटेड नेशन, जो वॉर थी जिसने US ने स्टार्ट किया था वॉर, वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑथराइज नहीं की गई थी। सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल थे, मतलब 5 परमानेंट मेंबर थे, उन सभी ने वॉर के लिए हाँ नहीं बोला था, ये केवल यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया था बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे बात करते हैं, कोफी अन्ना द UN सेक्रेटरी जनरल सेड दैट द US वॉर ऑन इराक वॉज इलीगल, वो क्या बोलते हैं कोफी अन्ना कि जो US की वॉर है अगेंस्ट इराक वो क्या है कम्प्लीटली इलीगल। दिस इमेज कम्प्लीटली इंडिकेट व्हाट हैपेंड इन 2005, ये इमेज जो है, ये कार्टून जो है आपको बता रहा कि 2005 में एक्चुअली में अमेरिका के द्वारा क्या किया गया। आप देख सकते हो अमेरिकन यहाँ पे आर्मी, ठीक, अमेरिकन आर्मी पर्सनल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इराक का वोटर है, सिटीजन है, वो क्या कर रहे हैं इराक के वोटर को आर्मी, अमेरिकन आर्मी के द्वारा क्या किया जा रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। इसका मतलब क्या है आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड थिंक अबाउट इट। ओके, हियर यू कैन ऑल्सो रीड द कार्टून हेल्पिंग डेमोक्रेसी, क्या इस तरह से हमें हेल्प करनी चाहिए, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। वाज अ कमेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ US फोर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन इन इराक, इराक में जब इलेक्शन हो रहे थे तब की ये फोटो है, तब का ये कार्टून बनाया गया है। डू यू थिंक द कार्टून कैन अप्लाई टू मेक अदर सिचुएशन, ओके, आइडेंटिफाई सम एग्जाम्पल फ्रॉम दिस चैप्टर विच दिस कार्टून कैन हेल्प अंडरस्टैंड, आप इसके बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन 2005। हियर वी टॉक अबाउट few important words that are crucial to us understand about democracy, यहाँ पे कुछ important word हैं जिनके बारे में हम समझेंगे जो कि democracy के लिए important हैं। So let's begin, फर्स्ट हम बात करते हैं censorship। censorship का क्या मतलब होता है, जब freedom of expression अभिव्यक्ति की आज़ादी पर completely ban लगा दिया जाता है, ठीक है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता को बंद कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है censorship। जैसे कि हम मीडिया की बात करें, मीडिया क्या होती है, मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है मीडिया को बोलते हैं। यदि मीडिया पर गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीटली बैन कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, सेंसरशिप कहलाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएलिशन की। कोएलिशन क्या होता है? अलायंस ऑफ पीपल, जब लोग मिलके, दो पार्टी समझो मिलके ग्रुप बना के, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट को फॉर्म कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अलायंस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है? आपको पता होगा ब्रिटिश इंडिया, ये समझो क्या है, ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश है, ओके, ब्रिटिशर है, और ये क्या है, इंडिया है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके इंडिया पर रूल कर रहे हैं, इस टेरिटरी पर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलोनी कहलाएगा। मतलब दूसरी टेरिटरी को जब ऑक्यूपाइड करना या दूसरे के द्वारा गवर्न करना, वो कहलाता है कॉलोनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिस्ट स्टेट। कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूल करना। कम्युनिस्ट पार्टी एक सिंगल पार्टी होती है, जहाँ पे भी कम्युनिस्ट रूल होता है वहाँ पे कोई अदर पार्टी नहीं होती, वहाँ सिंगल पार्टी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कूप। कूप क्या होते हैं, जैसे कि यह आप समझो सिविलियन गवर्नमेंट है, मतलब पीपल्स ने इसको इलेक्ट किया है, और यह है मिलिट्री। मिलिट्री क्या करती है, इस सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है, निकाल फेंकती है, और यहाँ पे मिलिट्री रूल करने लगती है, यह कहलाता है कूप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, एक टाइप का रूल होता है दैट टेक इफेक्ट विन अ मिलिट्री अथॉरिटी। जब मिलिट्री रूल करती है तब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है, और तब कोई भी सिविल राइट्स नहीं होते, सिविलियन के कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट्स तब नहीं होते, कंप्लीटली आर्मी का रूल रहता है, जो आर्मी चाहती है वो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर। पॉलिटिकल प्रिजनर कंप्लीटली वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज रहता है, समझो ये पार्टी जो है कंप्लीटली अभी रूलिंग पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी है, और ये अपोजिशन पार्टी है। यदि अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन उठा रहे हैं इस पार्टी पर, ये पार्टी क्या करेगी, इन अपोजिशन लीडर को उठा के प्रिजनर कर देगी, मतलब जेल में डाल देगी, ये क्या कहलाता है, पॉलिटिकल प्रिजनर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, एज डेफिनेटली आपने रेफरेंडम के बारे में सुना होगा, अ डायरेक्ट वोट इन विच एन इंटायर इलेक्ट्रोट इन आस्क द आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी पर्सन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, इसका मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, 1975 में क्या होता है, जो सिक्किम है, देन 1965 में क्या था, सिक्किम एक किंगडम था, वहाँ के लोगों से रेफरेंडम कराया जाता है, पूछा जाता है पीपल से क्या आप इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हो, तो 99% जो पीपल हैं वो क्या बोलते हैं, यस, है ना, तो ये कहलाया रेफरेंडम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट। स्टेट का सिंपली मीन्स आप समझ सकते हो कंट्री, ओके, सो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी वो कंट्री पर रूल करेगी पीपल्स के माध्यम से, डेमोक्रेसी है। तो आगे बात करते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक का क्या मतलब होता है, मास रिफ्यूजल बाय वर्कर्स और एम्प्लॉय टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू सर्टेन ग्रीवेंस और बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ नॉट मेड, मतलब लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, आंदोलन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होता है, एक एसोसिएशन है वर्कर का, मतलब बहुत से वर्कर इसमें जुड़े हुए होते हैं, कुछ पर्पस होता है इनका, ठीक, उद्देश्य होता है मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो उनका एम्प्लॉयमेंट है उनकी कंडीशन क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट वीटो पावर। वीटो पावर की हमने बात की थी जब 5 परमानेंट मेंबर की बात की थी, कि 5 परमानेंट जो मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर होती है, वो किसी भी, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, द राइट ऑफ पर्सन पार्टी और नेशन टू स्टॉप अ सर्टेन डिसीजन और लॉ, मतलब किसी भी रूल को मना कर सकते हैं, किसी भी रूल को वो स्टॉप कर सकते हैं, ये होती है वीटो पावर। दिस कोट यू हैव टू रिमेंबर, अ वीटो गिव अनलिमिटेड पावर टू स्टॉप अ डिसीजन बट नॉट टू अडॉप्ट वन, ओके। लाइकवाइज हियर, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ये कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन किए जा रहे हैं, लाइकवाइज इंडिया वॉन्ट टू ज्वाइन परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है चाहता है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाए, बट वहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, चाइना, ओके, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन एंड नेक्स्ट रसिया, तो ये जो 4 हैं, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, यस इंडिया आर एबल टू ज्वाइन, इंडिया क्या है इसके लिए, एबल है, मतलब इंडिया ज्वाइन कर सकता है, बट जो चाइना है उसके पास भी वीटो पावर है, चाइना क्या करता है, वीटो पावर का यूज़ करके बोल देता है नहीं, इंडिया इज़ नॉट एबल टू ज्वाइन दिस, इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, ये कहलाती है वीटो पावर। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, आर दिस डिसीजन डेमोक्रेटिक, क्या ये सभी डिसीजन डेमोक्रेटिक होंगे। सो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूशन है द वर्ल्ड लेवल दैट परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन दैट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म, जो यदि हम गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाएं, तो जो ये काम करेगी, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट करेगी, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूशन है, लाइकवाइज यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की तरह हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यदि फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट बनाई जाती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कुछ गवर्नमेंट हैं, लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन, नॉट गवर्नमेंट बट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है।
वट वी नीड टू नो जस्ट डेमोक्रेटिक दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, क्या ये डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगी। द येट स्टेक देयर इज वेदर ईच ऑफ द कंट्रीज है फ्री एंड इक्वल से, मतलब कि जो कंट्रीज हैं उनको सभी को फ्री और इक्वल राइट्स मिलेंगे, सभी कंट्री चाहिए वो उनकी जो इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर ज़्यादा है, किसी कंट्री की मिलिट्री पावर कम है, इकोनॉमिक पावर कम है, तो क्या इन दोनों कंट्री को बराबर अवसर मिलेगा, बराबर राइट्स मिलेंगे, ये एक मेन क्वेश्चन रहेगा। इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम, ये डिसीजन जो होगा लोगों को अफेक्ट करेगा, कंट्रीज को इफेक्ट करेगा। इन दिस लाइट लेट अस एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड बॉडीज। चलिए हम यहाँ पे कुछ एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं स्टेट्स, है ना। एज ऑन 1 सितंबर 2012 में लास्ट जो था साउथ सूडान ऐड हुआ था। ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ वन वोट इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली सभी के पास एक वोटिंग राइट्स मिलता है, हर एक कंट्री के पास एक वोटिंग राइट्स रहता है। इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशन अंडर अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री से इलेक्ट होंगे। जनरल असेंबली इज लाइक द पार्लियामेंट, जो जनरल असेंबली है वो किसके जैसे होती है, पार्लियामेंट की जैसे होती है। वी आर ऑल द डिसीजन और डिस्कशन टेक प्लेस, जहाँ पे बहुत से डिसीजन होते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में, बहुत से इशू के बारे में डिस्कशन किए जाते हैं। इन द सेंस द यूनाइटेड नेशन वुड अपीयर टू बी अ वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपीयर होगा। बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, बट जो जनरल असेंबली हो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। अबाउट वाट एक्शन शुड बी टेकन इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो यदि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बहुत से कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, ठीक है, डिस्प्यूट है, तो क्या इसको दिस जो ऑर्गेनाइजेशन, जो जनरल असेंबली है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फच क्रूशियल डिसीजन, जो 15 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के वो क्रूशियल डिसीजन लेते हैं। 15 मेंबर का क्या मतलब है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। आगे बात करते हैं हम, द काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर, US, रसिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, 10 अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर, और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं वो हर एक दो सालों में इलेक्टेड होते हैं। द रियल पावर ऑफ विथ 5 परमानेंट मेंबर, और जो रियल पावर है यूनाइटेड नेशन की वो किसके पास है, 5 परमानेंट जो मेंबर हैं, ठीक है, और इंडिया भी चाहता है कि वो भी इन 5 परमानेंट मेंबर में से एक बन जाए, मतलब कि छठवां जो परमानेंट मेंबर बने वो इंडिया बने। इसके लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, पर जो चाइना है वो बार बार इसके लिए रोक देता है, मतलब चाइना क्या कर देता है, वीटो कर देता है। वीटो पावर का क्या मतलब होता है, रोक देना, मतलब कोई भी रूल यदि चाइना को पसंद नहीं आ रहा तो चाइना क्या कर सकता है, उसको वीटो कर सकता है। वीटो हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे वीटो के बारे में। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, द रियल पावर विद द 5 परमानेंट मेंबर, जो रियल पावर है वो 5 परमानेंट मेंबर के पास रहती है, स्पेशली द US। US की बात करें तो US का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता है यूनाइटेड नेशन में। कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी नीडेड द मेंटेनेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन को जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड आता है वो आता है US के द्वारा, ठीक है, इसलिए US का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे दबदबा रहता है। आगे बात करते हैं, ईच परमानेंट मेंबर हैज़ वीटो पावर, सभी परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर रहती है। वीटो पावर क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इट मीन दैट द काउंसिल कैन नॉट टेक अ डिसीजन इफ एनी परमानेंट मेंबर फेज नो टू दैट डिसीजन, यदि कोई भी डिसीजन लिया गया, समझो एक्स कोई डिसीजन है, ठीक है, अब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, जब इन 5 परमानेंट मेंबर इफ एक्स डिसीजन के लिए यस बोलेंगे तभी ये डिसीजन जो है पास हो पाएगा। यदि किसी एक कंट्री जैसे रफिया ने इसको मना कर दिया तो ये डिसीजन जो है यहीं पे फेल हो जाएगा और यहीं पे बंद कर दिया जाएगा। ये होती है पावर ऑफ वीटो। तो हम बोल सकते हैं इस हिसाब से कि यूनाइटेड नेशन की जो पॉलिसी है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटेड है, मतलब भेदभाव करते हैं। जैसे मेंबर स्टेट तो 193 हैं, पर जो 5 सुपर पावर हैं, ठीक है, 5 जो मेन कंट्रीज हैं या सुपर पावर कंट्रीज जिनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, मिलिट्री पावर ज़्यादा अच्छी है, उनको ही केवल वीटो पावर करंटली मिला हुआ, उनको ही ज़्यादा पावर दी गई है। सो वी कैन यूनाइटेड नेशन नीड रिफॉर्म। चेक योर प्रोग्रेस हियर, सम क्वेश्चन हियर
कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ सजेशन भी हैं, आपको देखना है। हियर आर सम सजेशन टू स्ट्रेंथन वर्ल्ड डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए कुछ सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। डू यू सपोर्ट दीज चेंजेस, क्या आप इस चेंजेस को सपोर्ट करोगे? आर दीज चेंजेस लाइक टू हैपन, क्या ये चेंजेस हो जाएं, मतलब जो यहाँ पे दिए गए हैं। गिव योर रीजन फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है, आपको यहाँ पे रीजन देना है। मोर नेशन शुड बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हमने पढ़ा था कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड करना चाहिए? वी हैव अनदर क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या, यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली शुड बिकम लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, जो ये है वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह रिस्पॉन्स करनी चाहिए, विथ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच कंट्री, जहाँ पे सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इंडिया की तरफ से भी एक व्यक्ति हो वहाँ पे, पाकिस्तान की तरफ से भी, और अदर जो भी कंट्रीज हैं सभी की तरफ से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे कोई ना कोई हो। इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यहाँ पे सजेशन दिया गया कि कंट्री की प्रोपोर्शन के अनुसार, यदि कंट्री में कम पॉपुलेशन है तो वहाँ कम लोग रिप्रेजेंटेटिव हों, और ज़्यादा प्रोपोर्शन हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हों। दीज रिप्रेजेंटेटिव शुड इलेक्ट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाएँ। वी हैव अनदर क्वेश्चन, इंडिविजुअल कंट्रीज, ठीक है, शुड नॉट हैव आर्मीज, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीज के पास क्या हो, आर्मी ना हो। द यूनाइटेड नेशन शुड मेंटेन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशन का क्या हो, टास्क फोर्स हो, मतलब यूनाइटेड नेशन की आर्मी हो। टू ब्रिंग अबाउट पीस इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन नेशन, मतलब यदि किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई किसी भी कंट्री के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के माध्यम से रिजॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट, जो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट हो, शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाई ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो किसके द्वारा इलेक्ट हो, पीपल ऑफ ऑल द वर्ल्ड, मतलब जितने भी लोग हों उनके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो। ये बातें हैं यहाँ पे, आपको इनके बारे में सोच